सब्सक्राइब करें इजी नर्सिंग एकेडमी एंड प्रेस करें बेल आइकन फॉर मोर नर्सिंग वीडियोस। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इजी नर्सिंग एकेडमी में। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो एम्स दिल्ली की एग्जाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होने वाले हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो कौन कौन से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, 20 क्वेश्चन जो है इस पार्ट में दिए गए, उनके आंसर आप सभी को देने हैं। फर्स्ट में आप अपना आंसर डिसाइड कर लीजिए क्या है क्या नहीं है, और आपका कितना स्कोर बनता है उसके बारे में आप हमें बताइए। तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा दोस्तों, अगर अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करिए। अब चलते हैं हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो नेक्स्ट, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इज कंसीडर्ड अबाउट डिसऑर्डर विच इंक्लूड द अकरेंस ऑफ डिप्रेसिव एपिसोड एंड वन और मोर इलेटेड मूड एपिसोड। मतलब कंसीडर मूड डिसऑर्डर, एक मूड डिसऑर्डर है जिसके अंदर क्या है कि कभी डिप्रेशन होता है और कभी मूड का एलिवेशन होता है, तो वो कौन से डिसऑर्डर के अंदर आएगा? ऑप्शन नंबर ए बाइपोलर डिसऑर्डर, ऑप्शन बी डिल्यूजनल डिसऑर्डर, ऑप्शन सी है साइकोटिक डिसऑर्डर, और ऑप्शन डी है डिप्रेसिव डिसऑर्डर। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर होता क्या है कि हमारा जो मूड है कभी एलिवेटेड होता है और कभी क्या हो जाता है, डिप्रेसिव हो जाता है। डिप्रेसिव और एलिवेटेड जब मूड जो दोनों चीज़ें पाई जाती है तो उसके अंदर होता क्या है कि बाइपोलर डिसऑर्डर उसको बोलते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर दोनों एलिवेटेड और डिप्रेशन दोनों चीज़ें मिलती है हमें मूड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम ऑफ द ड्यूडेनल हार्मोन इज, ड्यूडेनम से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, उस हार्मोन का नाम हमें क्या है इसके अंदर बताना है। तो कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है ड्यूडेनम से? ऑप्शन ए है गैस्ट्रिन, ऑप्शन बी है एसिड पेप्सिन, ऑप्शन सी है कोलेसिस्टोकाइनिन, और ऑप्शन डी है गैस्ट्रिक इनहिबिटिंग पेप्टाइड। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है क्या है? करेक्ट आंसर है इसका सी, कोलेसिस्टोकाइनिन जो होता है ड्यूडेनम के अंदर सीक्रेट होता है। कोलेसिस्टोकाइनिन ड्यूडेनम के अंदर सीक्रेट होता है, क्यों? क्योंकि जो हमारे अंदर जो बाइल डक्ट जो लेके आती है उनको, बाइल को ज़्यादा सीक्रेट करने के लिए क्या होता है, कोलेसिस्टोकाइनिन सीक्रेट होता है। बाकी के जो है गैस्ट्रिक इनहिबिटिंग पेप्टाइड, गैस्ट्रिन, एसिड पेप्सिन, ये क्या है, स्टोमक के अंदर सीक्रेट होते हैं। थर्ड है हमारा, लंबर पंचर इज डन इन बिटवीन वर्टिब्रा। लंबर पंचर जो है कौन से वर्टिब्रा के बीच में किया जाता है? तो क्या है, ऑप्शन ए दे रखा है L2 एंड L3, ऑप्शन बी है L1 एंड L2, ऑप्शन सी दे रखा है हमें L3 एंड L4, और ऑप्शन डी दे रखा है हमें L4 एंड L5। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, L3 और L4 के अंदर क्या है, हम लंबर पंचर करते हैं। और अगर यही क्वेश्चन बच्चों के अंदर पूछा हुआ है कि बच्चे के अंदर LP कहाँ पे करते हैं, कौन से वर्टिब्रा में करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा डी, L4 और L5। अगर कुछ भी नहीं दे रखा है क्वेश्चन के अंदर तो उसके अंदर हमारा एडल्ट मान के चलना है, एडल्ट के अंदर जो होता है उसको हमें करेक्ट आंसर करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में दे रखा है स्पेशली कि अगर बच्चे के अंदर करना है, चाइल्ड के अंदर, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, चेंज हो जाएगा, तो वो आंसर होगा L4 और L5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नॉर्मल यूट्रस वेट, नॉर्मल यूट्रस का वेट कितने ग्राम होता है, वो क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो कितना होता है, ऑप्शन ए जो है 90 है, ऑप्शन बी है 80 है, ऑप्शन सी जो है 60 है, और ऑप्शन डी के अंदर कितना दे रखा है, 50 है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो नॉर्मल यूट्रस जो होता है, नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस, उसका जो वेट होता है वो कितना होता है, 60 ग्राम।
करेक्ट आंसर क्या है इसका? सी, सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि नॉर्मल यूट्रस का जो वेट होता है वो 60 ग्राम होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मुस्लिम प्रेयर पोजीशन इज यूज इन सर्जरी, मतलब ऐसी कौन सी सर्जरी है जिसके अंदर हम मुस्लिम प्रेयर जो है वो पोजीशन यूज में लेते हैं। मुस्लिम कैसे प्रेयर करते हैं? आगे की तरफ टर्न करके ऐसे प्रेयर करते हैं नमाज पढ़ने के टाइम पे। तो उस कंडीशन में उस जो पोजीशन है वो पोजीशन, उस पोजीशन में कौन सी जो सर्जरी जो हमें करनी होती है या कौन सा प्रोसीजर जो हमें करना होता है उसका आंसर हमें बताना है। तो कौन सा है इसका आंसर? ऑप्शन ए दे रखा है लेमिनेक्टोमी, ऑप्शन बी दे रखा है लेप्रोस्कोपी, ऑप्शन सी दे रखा है लेरिंजेक्टोमी और ऑप्शन डी दे रखा है लेप्रोटोमी। तो क्या है, कौन सी कंडीशन के अंदर हमारा जो ये जो स्पाइन है ऐसे मुस्लिम प्रेयर जैसे करते हैं उस तरह से पोजीशन में आएगा? तो लेप्रोस्कोपी तो इसका आंसर है नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? लेमिनेक्टोमी। लेमिना जो होता है हमारे वर्टिब्रा के अंदर पाए जाने वाला जो गैप है उसकी अगर सर्जरी करनी होती है जब नर्व कंप्रेशन हो जाता है तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, ये मुस्लिम प्रेयर पोजीशन जो है हमें देनी होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्स द टर्म मेनिन्जोसील मीन्स, मेनिन्जोसील का क्या मतलब है? मेनिन्जोसील का क्या मतलब है? तो इसका करेक्ट आंसर देख के बताइएगा। द मेनिन्जेस प्रोट्रूड आउट थ्रू द स्पाइनल कैनाल, ऑप्शन बी है स्पाइनल कॉर्ड एंड द कॉर्ड मेम्ब्रेन प्रोट्रूड आउट, ऑप्शन सी है ओनली स्पाइनल कॉर्ड प्रोट्रूड सीएसएफ कलेक्ट इन एसिस्ट और ऑप्शन डी है सीएसएफ कलेक्टेड इन एसिस्ट। तो इसका करेक्ट जो आंसर जाएगा वो है ए, क्योंकि जो मेनिन्जोसील के अंदर जो होता है ओनली और ओनली मेनिन्जीज जो होती है स्पाइनल कैनाल के थ्रू बाहर आ जाती है। ओनली मेनिन्जी, मेनिन्जीज जो होती है वो ओनली बाहर आ जाती है, उसको बोलते हैं मेनिन्जोसील। और ये जो मेम्ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड जो बाहर आते हैं उसको बोलते हैं मेनिन्जोमाइलोसील, जिसके अंदर होता है क्या है कि स्पाइनल कॉर्ड और जो मेम्ब्रेन जो है वो दोनों क्या होती है उस कैनाल के बाहर आ जाती है, तो उसको बोलते हैं हम मेनिन्जोमाइलोसील। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ए, मेनिन्जोसील जो होता है मेनिन्जीज का, ओनली मेनिन्जीज का स्पाइनल कैनाल के थ्रू बाहर आना वो होता है मेनिन्जोसील। नेक्स्ट है हमारा सेवंथ क्वेश्चन। एन ओपनिंग इन द बोन थ्रू विच ब्लड वेसल्स नर्व एंड लिगामेंट पास इज कॉल्ड, मतलब बोन के अंदर एक ऐसी ओपनिंग जिसके अंदर से ब्लड वेसल्स भी निकल रही हो, नर्व भी निकल रही हो और लिगामेंट भी पास हो रहे हो, उस ओपनिंग को क्या बोलते हैं? एक ऐसी ओपनिंग जिसके अंदर से ब्लड वेसल्स भी निकल रही है, बोन भी निकल रही है और नर्व भी निकल रही है। ब्लड वेसल्स, नर्व एंड लिगामेंट तीनों चीज़ें अगर उसके पास हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलते हैं हम फोरामेन। फोरामेन जैसे हमारे जो पेल्विस के अंदर मिलता है उसके अंदर से ब्लड वेसल्स भी बाहर निकलती है, नर्व भी बाहर निकलती है और लिगामेंट भी बाहर निकलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम फोरामेन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है डी, फोरामेन उसको हम बोलते है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे की तरह किस कब सेलिब्रेट करते हम, कौन सी डेट है जिसको हम वर्ल्ड हेल्थ डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? उसका करेक्ट आंसर होगा बी, 7 अप्रैल है उसको हम वर्ल्ड हेल्थ डे की तरह हम सेलिब्रेट करते हैं 7 अप्रैल को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओम्फेलाइटिस इज द इन्फेक्शन ऑफ डेथ इन न्यू बॉर्न चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर जो इन्फेक्शन होता है किस चीज़ का इन्फेक्शन है जिसको हम ओम्फेलाइटिस बोलते हैं? ओम्फेलाइटिस किसके इन्फेक्शन को बोलते हैं? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर होगा इसका ए, अम्बिलिकल कॉर्ड का जो इन्फेक्शन जब होता है तो उसको बोलते हैं हम ओम्फेलाइटिस, क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड को हम ओम्फेलोन भी बोलते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए इसका करेक्ट आंसर होगा।
ओम्फेलाइटिस क्या बोलते हैं हम? इन्फेक्शन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, उसको बोलते हैं हम ओम्फेलाइटिस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मम्स इज ए डिजीज दैट अफेक्ट, मम्स एक डिजीज है जो अफेक्ट करती है कौन सी जो ग्लैंड है या कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करती है? मम्स, मम्स जो है किसको अफेक्ट करेगी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड जो है हमारी सेलाइवरी ग्लैंड है। सेलाइवरी ग्लैंड जो यहाँ पे हमारी सिचुएटेड होती है ईयर के पास में जो सिचुएटेड होती है वो बोलती है पैरोटिड। ये दोनों तरफ सिचुएटेड होती है, दोनों साइड में पैरोटिड ग्लैंड का एक पेयर पाया जाता है। इनके अंदर अगर इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, स्वेलिंग आ रही है तो उसकी वजह से क्या होगा? मम्स। तो मम्स के अंदर कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होता है? पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड अफेक्टेड होती है। नेक्स्ट है हमारा एम्फाइमा। एम्फाइमा का क्या मतलब है? एम्फाइमा मीन्स क्या होता है? ऑप्शन ए बी सी डी दे रखे है, तो करेक्ट आंसर बताइएगा क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा कलेक्शन ऑफ पस इन प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी के अंदर पस का कलेक्शन हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हम? एम्फाइमा, उसको हम बोलते हैं कलेक्शन ऑफ पस इन प्लूरल कैविटी, उसको बोलेंगे हम एम्फाइमा। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? सी। करेक्ट आंसर होगा सी, कलेक्शन ऑफ पस इन प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी के अंदर पस का कलेक्शन हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम एम्फाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ सेलेक्टिव एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन इज। एंटीबायोटिक्स किस तरह से काम करती है, वो किस चीज़ को इनहिबिट करेगी, किस चीज़ को वो सिंथेसिस करने से रोक देगी, किस चीज़ की तरह वो एंटागोनिज्म की तरह काम करेगी? तो पेनिसिलिन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो क्या होता है कि जो हमारे न्यूक्लिक एसिड होते हैं सेल्स के अंदर पाए जाने वाले आरएनए और डीएनए, इन दोनों के सिंथेसिस को रोक देगी। जब डीएनए नहीं बनेगा या आरएनए नहीं बनेगा किसी सेल्स में तो उसका डिवीजन भी नहीं होगा, तो क्या होगा? ग्रोथ जो है रुक जाएगी किसी भी बैक्टीरिया की। तो इसलिए ये पेनिसिलिन जो होता है क्या करता है? न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट है हमारा, द ऑडिएबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर इज बिटवीन। जो ह्यूमन ईयर है उसकी ऑडिएबल रेंज कितनी है, कितने हर्ट्ज जो है उसको सुन सकता है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का ईयर? तो ये बहुत सी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, नॉर्मली आ जाता है हर एग्जाम में। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ए। ऑप्शन जो ए है इसका करेक्ट आंसर होगा 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज जो है उस तक हमारा ईयर सुन सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? ए। 20,000 to 20,000 हर्ट्ज जो है उस तक हमारे ईयर की कैपेसिटी होती है, ऑडिएबल रेंज जो होती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, परनीशियस एनीमा इज द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ एनीमिया कॉज्ड बाय लैक ऑफ। परनीशियस एनीमिया जो है वो कॉमन एनीमिया है और वो किसकी कमी से होता है? परनीशियस एनीमा किसकी कमी से होगा? तो परनीशियस एनीमा जो होगा उसका करेक्ट आंसर है विटामिन बी 12 की कमी से परनीशियस एनीमिया होता है, और फॉलिक एसिड की कमी से क्या होगा? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा, और आयरन की कमी से आयरन डेफिशिएंसी जो एनीमिया हमें देखने को मिलेगा। तो विटामिन बी 12 की कमी से परनीशियस एनीमिया जो हमें देखने को मिलता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। अगर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया पूछ लिया जाए तो क्या होगा? बी। फॉलिक एसिड की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो है होता है। नेक्स्ट है हमारा, इज ए कॉमन एजेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर इन्फेंटाइल डायरिया। बच्चों के अंदर जो इन्फेंट होते हैं उनके अंदर डायरिया कॉज करने का कौन सा एजेंट जो कॉमन पाया जाता है? तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज ए। रोटा वायरस जो है
वो बच्चों के अंदर जो इन्फेंट होते हैं उनके अंदर मोस्ट कॉमन जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है जो डायरिया करता है, डायरिया के लिए जो मोस्ट कॉमन एजेंट जो पाया जाता है इन्फेंटाइल डायरिया के लिए वो कौन सा है? रोटा वायरस। रोटा वायरस क्या करता है? इन्फेंटाइल डायरिया करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इम्यूनिटी इज नॉट लॉन्ग लास्टिंग इन डिजीज। इम्यूनिटी जो है वो किसके अंदर लॉन्ग लास्टिंग तक नहीं मिलती है? ऐसी कौन सी डिजीज जो है जिसके अंदर इम्यूनिटी ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगी? ऑप्शन ए डिप्थीरिया, ऑप्शन बी इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन सी बूफिंग कफ और ऑप्शन डी मम्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है इसका बी, इन्फ्लुएंजा जो है इसके अंदर लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी जो है वो नहीं मिलती है, क्योंकि कॉमन कोल्ड कफ जो है इन्फ्लुएंजा की वजह से होते हैं कॉमन कोल्ड। और ये क्या होते हैं कि बार बार रिपीटेटिव होते रहते हैं, सीजनेबल चेंज जैसे भी आते हैं उसी टाइम पे इन्फ्लुएंजा का जो इन्फेक्शन है हमें वापस से हो जाता है। तो इसलिए इन्फ्लुएंजा जो है उसकी इम्यूनिटी जो है लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर इज बी। और डिप्थीरिया है, वूफिंग कफ है और इनकी मम्प्स की जो इम्यूनिटी है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, एक बार होने के बाद दोबारा होने के चांस जो है बहुत कम होते हैं। इनकी इम्यूनिटी जो होती है लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी होती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सिजोफ्रेनिया कम अंडर फॉर्म ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। सिजोफ्रेनिया जो है वो कौन से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंदर आता है? ऑप्शन ए साइकोटिक डिसऑर्डर, ऑप्शन बी है डिस्थेमिक डिसऑर्डर, ऑप्शन सी है साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर और ऑप्शन डी है डिप्रेसिव डिसऑर्डर। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर इज ए, जो सिजोफ्रेनिया इज ए ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर। जो ग्रुप है इसको क्या बोलते हैं हम? एक ग्रुप होता है जिसके अंदर हमारा बिहेवियर, हमारा अफेक्ट, मूड और जो हमारी थॉट जो है वो सब चीज़ें चेंज हो जाती है, जो एक ग्रुप के रूप में ये हमें प्रेजेंट दिखाई देता है। तो ये क्या है? एक साइकोटिक डिसऑर्डर है, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? साइकोटिक डिसऑर्डर इसको बोलेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर इज ए, ए इज करेक्ट आंसर। साइकोटिक डिसऑर्डर के अंदर आता है हमारा सिजोफ्रेनिया। नेक्स्ट है हमारा, इज द टर्म यूज फॉर स्लोअर हार्ट रेट इन एन एडल्ट यूजुअली लेस देन 60 बीट पर मिनट। मतलब 60 बीट पर मिनट से कम अगर हार्ट रेट है एडल्ट के अंदर तो उस टर्म को हम क्या बोलेंगे? उस टर्म को बोलेंगे हम ब्रेडीकार्डिया। ऐसे सिंपल से क्वेश्चन जो एम्स जो दिल्ली पूछता है, लेकिन लोग बाग क्या समझते हैं कि इतने सिंपल एम्स दिल्ली नहीं पूछ सकता, इस चक्कर में क्या है वो गलत ऑप्शन करके आ जाते हैं। इसलिए सभी को ध्यान देना है कि 60 से कम ब्रेडीकार्डिया है तो मतलब ब्रेडीकार्डिया है, इसका कोई और दूसरा अल्टरनेट नहीं है। बहुत से अलग अलग सोच के ओवर माइंड जो है एक्स्ट्रा दिमाग लगा के क्वेश्चन गलत कर जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सी, ब्रेडी कार्डिया, ब्रेडी कार्डिया हम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मेजर सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन इज। जो एयर पॉल्यूशन है उसका मेजर सोर्स जो है क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, फॉसिल फ्यूल्स जो है उसकी वजह से हमारी एयर का पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। जो भी फैक्ट्रीज है बड़ी बड़ी फैक्ट्री, उनके अंदर से निकलने वाला धुआं, बहुत से हमारे जो भी जैसे ये जो एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं रावत वाटा के अंदर, या फिर बहुत बड़े बड़े जो ईंट के भट्टे जो होते हैं, बड़े बड़े जो फैक्ट्रीज जो होती है जिनके अंदर से हमारा जो धुआं निकलता है उसकी वजह से क्या होता है? एयर पॉल्यूशन होता है। जो मेजर सोर्स है एयर पॉल्यूशन का वो है सी, फॉसिल फ्यूल्स जो है मेजर सोर्स है एयर पॉल्यूशन का। नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन, बैड सोर्स आर कॉज्ड बाय लोकलाइज। बैड सोर्स किसकी वजह से होते हैं?
ऑप्शन ए है इस्चेमिया, बी है कंट्यूजन, सी है एक्सेसिव हीट और डी है फ्रिक्शन। तो क्या है लोकलाइज बेड शोर का लोकलाइज कॉज क्या है? तो बेड शोर का लोकलाइज कॉज है ए इस्चेमिया। इस्चेमिया की वजह से क्या होगा, हमारी जो सेल्स है उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, और ऑक्सीजन की कमी जब होगी सेल्स के अंदर तो क्या होगा, नेक्रोसिस, टिश्यू डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे, सेल की डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी, उसकी वजह से क्या होगा, बेड शोर। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, ए इस्चेमिया। करेक्ट आंसर इज इस्चेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मे बी कॉज ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लेड इन द बॉडी। अगर बॉडी के अंदर लेड का एक्यूमुलेशन हो रहा है तो क्या बोलेंगे उसको, क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी? अगर बॉडी के अंदर लेड का एक्यूमुलेशन हो रहा है तो वो क्या करता है, हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसके जो फंक्शन है उसको अफेक्ट करता है, डिक्रीज करता है। तो इस वजह से जो क्या होगी, नर्व वीक हो जाएगी, और दूसरी बात ये ब्लड पे भी अफेक्ट करता है। लेकिन जो डेंजरस है वो है वीकनिंग ऑफ नर्व, नर्व को क्या कर देगा, वीक कर देगा, लेड पॉइजनिंग हो जाएगी अगर एक्यूमुलेशन हो जाएगा तो। तो करेक्ट आंसर इज बी। क्या है करेक्ट आंसर, बी। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।